4 फरवरी को होने जा रहे हिमाचल विधानसभा सत्र के बजट सत्र में कांग्रेस ने रणभूमि तैयार कर दी है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल प्रभारी रंजनी पाटिल व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक आयोजित की। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल सरकार सत्र में भाग तो ले रही है, इसलिए सत्र को घटाकर 13 दिन का कर दिया है। अभी तक सरकार ने पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं किया है और अब नया बजट आ गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि एक साल में सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, सरकार पर्यटन को लेकर कुछ नहीं कर सकी। मोदी सरकार का अंतिम बजट आ गया है लेकिन 69 NH लटके हुए हैं। हिमाचल के 65,000 करोड़ का क्या हुआ? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सरकार को बढ़ती कानून व्यवस्था, स्वाइन फ्लू में बढ़ते मामले, कर्ज से प्रदेश सरकार की खस्ता हालत के अलावा केंद्र से कोई मदद ना मिलना, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा जाएगा, जिसमें चिट्ठों पर तबादले भी शामिल रहेगा। काफी लंबी बैठक हुई है, लगभग 2 घंटे तक चली है और सामान्य सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी है कि एक तो कुल मिला के रणनीति क्या होगी, एक डे टू डे बेसिस पे रणनीति क्या होगी, क्योंकि सेशन छोटा कर दिया गया है तो सदस्यों को किस ढंग से अपने मुद्दे उठाने हैं, सारे सदस्यों के मुद्दे कैसे उठ पाए, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कुछ गवर्नर एड्रेस पे बोले, कुछ बजट पे बोले, हालांकि समय था कि फुल फ्लेज बजट सेशन किया जाता, लेकिन सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनावों से पहले बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे तो जिनको वो जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने सेशन को शॉर्ट कर दिया। इसके लिए वो फाइनेंशियल फ्रंट पे बातें हुई हैं कि किस ढंग से सारा साल कर्जों से कराता रहा स्टेट, और उसके बाद सेंटर से कुछ नहीं मिला, ना फाइनेंशियल पैकेज मिला, ना इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, ना कोई और मदद हुई कोई ना। जो मुख्यमंत्री दिल्ली प्रस्ताव लेके दूसरे रोज हेलीकॉप्टर लेके जाते थे, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते थे, कभी जो है स्मार्ट सिटीज में फंडिंग पैटर्न बदलने की बात करते थे, कहीं हाथी समुदाय के लोगों को जो है ट्राइबल स्टेटस देने की बात करते थे, या कभी हिमालयन बटालियन सेंक्शन करने की बातें करते थे। वो सारे मोर्चे पे सरकार विफल रही, खासतौर पर नेशनल हाईवेज जो है 69 नेशनल हाईवे 65,000 करोड़ रुपया, वो पैसा लास्ट बजट तक नहीं मिला। अब सरकार ने प्रदेश के साथ धोखा किया, झूठ बोला कि हम आपको इतने नेशनल हाईवे दे रहे हैं और अंततः नहीं दे पाए हैं। क्या सरकार ऐसे मुद्दों पे माफी मांगेगी? तो दूसरा, जो योजनाएं थी हिमाचल सरकार ने बजट में प्रस्तावित की थी, वो कोई भी योजना जो है आकार नहीं ले सकी। और जैसे कहा था मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, किसी को उसमें जो है कर्जा नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री युवा कल्याण योजना, जिसमें कि नौकरियों को छोड़ के जो है आप लोगों को कारोबार के लिए प्रेरित कर रहे थे, वो भी इनका जो है मसला सिरे नहीं चढ़ा। नौकरियां ये दे नहीं पाए, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद कर दिया। किस ढंग से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रही, कत्ल हुए, वारदातें हुई, रेप्स हुए, तो और अभी भी जो है स्वाइन फ्लू चल रहा है, कितनी डेथ रिपोर्ट हो गई है, पहले डेंगू हो गया, उससे पहले पानी का संकट रहा, बहुत मसले यहाँ पे डिस्कस किए सदस्यों ने। और कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह एकजुट होकर इन मसलों को जो है सदन के अंदर जो है उठाएगा, क्योंकि कोई बारूद की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, और सिर्फ ये है कि सरकार जवाब देने से कतरा रही है, इसलिए उसने जो है ये मॉडस ऑपरेंडी अख्तियार किया है। कांग्रेस पार्टी की है विधानसभा सत्र को लेकर, विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी से हमारे सभी के सभी विधायक बाहर निकलेंगे, और 2019 के जो चुनाव है लोकसभा के, उसके पहले के ये लास्ट विधानसभा है, तो हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी कि सरकार ने, केंद्र के राज्य के सरकार ने जो भी उनकी नाकामयाबी है उसको बेनकाब करने की कोशिश हम करेंगे और उसको करते रहेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक 4 फरवरी को आयोजित होगी। भाजपा के सारे नेता जनमंच कार्यक्रम में व्यस्त रहे, जिसके चलते भाजपा विधायक दल की बैठक अब सोमवार को आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि सेशन के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस की इस बैठक के दौरान सुजान सिंह पठानिया, सुखविंदर सिंह सुखू, अनिरुद्ध सिंह व इंद्रदत्त लखनपाल नहीं पहुंचे थे।